जहानाबाद अरवल राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 110 पर अवस्थित नगर थाना क्षेत्र के बभना गांव में पुलिस ने छापेमारी की। अपर पुलिस अधीक्षक अभियान संजीव कुमार, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी प्रभात भूषण श्रीवास्तव तथा नगर थाना अध्यक्ष एसके शाही की मौजूदगी में घंटों कई घरों की तलाशी ली गई। इस दौरान 5,000 लीटर जावा महुआ को नष्ट किया गया। इतना ही नहीं, कई भट्टियों को भी ध्वस्त किया गया, साथ ही शराब बनाने के उपकरणों को भी नष्ट किया गया। हालांकि पुलिस के आने के कबल ही सभी कारोबारी भाग निकले। इस सिलसिले में 6 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। दरअसल बभना गांव शराब बनाने के मामले में पहले से ही विख्यात रहा है। शराबबंदी के बाद दर्जनों बार वहां छापेमारी की गई है, बावजूद यह धंधा जारी है। 3 दिन पहले ही गलत नीयत से एक किशोरी को अगवा किए जाने का आरोप लगाते हुए उसके परिजनों तथा ग्रामीणों ने सड़क जाम किया था। उन लोगों का कहना था कि शराब के धंधे के कारण ही इस घटना को अंजाम दिया जा रहा था। उसके बाद से ही लोगों को इस छापेमारी की उम्मीद थी। छापेमारी के कारण घंटों बभना महादलित टोला पुलिस छावनी में तब्दील रहा। चंदन मिश्रा, आजकल के लिए। अवैध रूप से शराब निर्माण की सूचना मिली थी, इस सूचना के आधार पर आज वृहद रूप से छापेमारी की गई है। वैसे तो पूर्व में भी कई बार यहाँ छापेमारी की गई, जब जब सूचना मिली है तब तक छापेमारी की गई है। ये छापेमारी होने के बाद भी इन लोगों के द्वारा बराबर इस तरह की व्यवस्था कर लिया जा रहा है। करने के बाद जो भी ये लोग जमा करते हैं, वैसे हम लोग सूचना मिल जाती है, हम लोग तुरंत छापेमारी करते हैं। सर, काफ़ी मात्रा में? हाँ सर, काफ़ी मात्रा में, करीब 5,000 से ज़्यादा लीटर की मात्रा में अवैध रूप से बना हुआ ये महुआ मीठा का मिश्रण जो है इसको बर्बाद किया गया है, और काफ़ी मात्रा में शराब भी बना हुआ बरामद किया गया है। अब इन लोगों के नाम पता का सत्यापन किया जा रहा है, पता करने पर प्राथमिकी दर्ज कराई है। आगे भी ये करवाया जा रहा है, ये कंटिन्यू रहेगा तब तक जब तक इन लोगों का ये बनाना बंद नहीं हुआ।